भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के निर्देशानुसार भाजयुमो वैशाली नगर मंडल अध्यक्ष निखिल सोनी के नेतृत्व में बिजली बिल की बढ़ी हुई दरों को लेकर प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान के तहत प्रदर्शन कर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उसकी विभिन्न इकाइयों द्वारा इस माह से बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 25 में कालीबाड़ी चौक एवं ओम शांति चौक में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यह सभा छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिल के दरों को लेकर किया गया है। इस सभा में लोगों को सरकार के द्वारा बिजली बिल की दरों में भविष्य निधि को बढ़ाकर देने के कारण और अपने बिजली बिल आधा करने के छलिए वादे को नहीं निभाने की स्थिति में लोगों के बीच उनसे मिलकर नुक्कड़ सभा लेकर उनको जागृत किया गया। प्रदेश की विपक्षी पार्टी का कहना है कि भूपेश सरकार अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं कर रही है और लगातार वादा खिलाफी करते हुए प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आज हम सब युवा मोर्चा के सदस्य वैशाली नगर मंडल में चौक में एकत्रीकरण किए और नुक्कड़ सभा का आयोजन किए, जिसमें हम जन जन तक भूपेश बघेल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को और बिजली बिल की दरों को बढ़ाकर इस प्रकार गरीबों के ऊपर एक विपत्ति ला के खड़ा कर दी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि हम बढ़ाए हुए बिजली बिल को कैसे अदा करें। इसके लिए आज हम यहाँ पर सब उपस्थित होकर प्रदर्शन करें और जितने भी युवा मोर्चा के साथी एवं सदस्य, भाजपा के सदस्य एवं समस्त मोर्चा एवं प्रवक्ता के सदस्य, जितने लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ। बिजली विभाग में जो किए जा रहे हैं उसके विरोध में आज हम सब यहाँ इसके प्रथम चरण के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भैया गोपाल बिष्ट जी, प्रदेश के ही पदाधिकारी मेरे भाई नितेश मिश्रा जी एवं प्रदेश विशाल साई जी, प्रदेश युवा मोर्चा विशेष आमंत्रित सदस्य और मंडल के महामंत्री रवि वर्मा जी, दिनेश मिश्रा जी युवा मोर्चा के वैशाली नगर मंडल के अध्यक्ष निखिल सोनी जी, उपस्थित सभी मेरे भाई दिनेश सेन, योगेश सेन, पीयूष मिश्रा, सिद्धार्थ वहाँ उपस्थित यहाँ सभी मेरे भाई ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष या सुंदरलाल साहू जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, आज हम सब एकत्रित हुए क्योंकि हम सब जनता की तकलीफों को भलीभांति महसूस कर रहे हैं और हमें मजबूर होना पड़ा और सड़क पर उतरना पड़ा क्योंकि हर विभाग में दलाली की चरम सीमा को पार कर दिया इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, और इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए युवा मोर्चा आज सड़क पर उतर आया है और इस सड़क की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस प्रदेश की जनता इस सरकार को उठाकर 2023 का चेहरा ना दिखाए और प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा हम सबने संकल्प लिया है। आज जिस विभाग में देखिए भ्रष्टाचारी चरम पे है, पावर सेक्टर बिजली विभाग में 0.9 में छूट देने का जो वादा किया था भूपेश सरकार ने वो आज 0.8 में भी नहीं देते और इसका दुष्परिणाम यह है कि आपको अलग से फाइन पटाना पड़ता है। ये हर महीने आपके बिल में 100, 200, 300, 400 रुपए हर महीने जुड़ते हैं जो जनता की नजरों में छुपे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो हम जनता की नजरों में लाएंगे और जनता को पता लगना चाहिए कि उनकी जेब में कैसे दरवाजे के पीछे से डाका डाला जा रहा है। तो मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है भूपेश बघेल की सरकार जो आज से 4 वर्ष पूर्व चुनाव जीतने के लिए जनता को लोभ लुभावने सपने दिखाते हुए बिजली बिल हाफ का वादा किया था और ये सरकार ने हाथ में गंगा जल रख करके कसम खाई थी कि हम सत्ता पे आते ही बिजली बिल हाफ करेंगे और ये सरकार जब से आई है सुरक्षा निधि के नाम पर हजारों रुपए करोड़ों रुपए आज ऐड रही है जनता से। हम सभी के घर में आज के तारीख में सुरक्षा निधि के नाम पे 4,000, 5,000 रुपए की राशि अतिरिक्त बढ़ करके आ रही है।
शासन की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा निधि का जो मापदंड है उस हिसाब से हर चार महीने में उस राशि को थोड़ा थोड़ा करके लेना है। लेकिन ये सरकार जब से आई है हर साल में एक बार बढ़ा करके राशि भेज रही है और जनता को ऐड रही है, सरकार से कर रही है। सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि युवा मोर्चा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इस प्रकार से बढ़े हुए बिजली दर को लेकर के हम लोग निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी नुक्कड़ के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे चल करके जनसंपर्क करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके घर में जो बढ़ती हुई बिजली बिल आ रही है उस बिजली बिल में सरकार किस तरीके से अतिक्रमण करते हुए हम लोगों के ऊपर एक बोझ डाल रही है और उस बोझ का हमको विरोध करना है। इसी संदर्भ को लेकर के आने वाले 24 तारीख को और 25 तारीख को एक बड़ा आंदोलन का आह्वान है और हम सभी ये छावनी बैकुंठ धाम के सामने जो बिजली का जो ऑफिस है उसका घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे और आज के इस नुक्कड़ सभा के कार्यक्रम में उपस्थित मंडल के अध्यक्ष यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई गुरजीत सिंह जी। प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा बिजली बिल आधा करने का वादा किया गया था और किया भी गया था, परंतु अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में इस तरह से बिजली की दरों को बढ़ाना समझ से परे है। देखना होगा कि प्रदेश सरकार द्वारा किया गया यह कार्य आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर डालता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।